हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे छोटे बच्चों का लहंगा चोली, जो कि 4 to 6 ईयर के किड्स के लिए होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट में हम लेंगे सीबी यानी कि क्रॉस बैक। क्रॉस बैक हमारा शोल्डर होगा, जो हमने यहाँ 10 इंच लिया। चेस्ट लेंगे 24 इंच और चोली की लेंथ लेंगे 10 इंचेस लेंगे। और लहंगा लहंगा लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 16 इंचेस लूँगी, 16 से 18 इंच। और यहाँ वेस्ट लेंगे, हमारी वेस्ट हमने ली है 22 इंच। और स्केल यूज करेंगे 1। ये स्केल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। जब हम छोटे ड्राफ्टिंग बनाते हैं वो 1/4 से बनाते हैं, और जब बड़े ड्राफ्ट बनाते हैं वो हम 1/6 बनाते हैं। तो अभी हम 1/4 यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चोली की लेंथ लेंगे, जो कि हमें लेनी है 10 इंच ले ली हमने। ये हमारी लेंथ है। और फिर हम यहाँ सीबी का हाफ लेंगे। सीबी का हाफ हमारा यहाँ 5 इंचेस आएगा। ये हमने 5 इंचेस ले लिया। फिर हम यहाँ चेस्ट का 4-1 लेंगे और यहाँ पे भी 5 इंच लेंगे। फिर हम यहाँ चेस्ट का 4 लेंगे प्लस 1 इंच लेंगे, यहाँ पे एक बार हमारा होगा 7 इंच। फिर यहाँ हम वेस्ट का हाफ प्लस 1 इंच लेंगे। वेस्ट हमारी थी 22, वेस्ट का 4 प्लस 1 इंच लेंगे। वेस्ट हमारी थी 22 इंचेस, इसका 1/4 करेंगे तो आएगा 5.5 प्लस 1 इंच, यानी आएगा हमारा 6.5। यहाँ पे हम 6.5 लेंगे। और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा बेसिक होता है। हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना हो उसके लिए हम बेसिक यही हमारा फॉर्म है। चाहे हम इसमें, अब जैसे हमें स्लीवलेस बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेस्ट का 12 लेते हैं, यानी कि 2 इंच लेंगे यहाँ से। और नेक अपने हिसाब से ले सकते हैं आप। यहाँ मैं 2 इंच ले रही हूँ, ये नेक हो गया हमारा। और अगर हमने स्टेप वाला बनाना है तो हम यहाँ पे भी 2 इंचेस लेंगे। 2 इंचेस लेने के बाद यहाँ पे हम शेप दे देंगे। जो थोड़ी बाहर की शेप है वो बैक साइड की होगी। बैक के लिए मैं बी यूज़ करूँगी और यहाँ से 1/2 इंच अंदर मैं फ्रंट के लिए यूज़ करूँगी। ये हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। और हम नेक अपने हिसाब से लेते हैं। हमें बी लेना है तो हम बी ले सकते हैं, और राउंड नेक लेना है तो राउंड नेक ले सकते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पे, हमें अगर फ्रंट या बैक ओपन रखना है तो हम यहाँ पे 1 साइड ओपन लेंगे और 1 साइड फोल्ड लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे ले सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे लहंगा। लहंगे के लिए पहले हम लेंथ लेंगे, हमें जितनी लेंथ चाहिए। यहाँ मैंने 16 इंच लिए लेंथ। और हम इसकी चौड़ाई के लिए जितनी भी हमारी विड्थ ऑफ फ्लोर है उसका हम हाफ लेंगे। जैसे 18 है तो हम 36 है तो हम 18 लेंगे उसका हाफ। ये हमने उसका हाफ ले लिया।
और ये साइड हमारी ओन फोल्ड रहेगी, यानी कि ये हिस्सा हमारा बंद साइड रहेगा, ये ओपन रहेगा। इसमें हम दो चीज़ें करते हैं यहाँ से यहाँ तक, या तो हम प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं या फिर 5 नंबर का बखिया लगा सकते हैं। 5 नंबर का बखिया लगा के हम इसकी इसको इसकी गैदरिंग बना सकते हैं। और फिर हम इसके लिए एक बेल्ट लेंगे। बेल्ट हमें लेना है वेस्ट का हाफ प्लस वन, यहाँ पे आएगा 11 प्लस वन, यहाँ पे 12 इंचेस हम लेंगे। इस बेल्ट में इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर जो लूप आते हैं वो लगा सकते हैं। और इसकी विथ रखेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। यहाँ से भी 1.5 इंच लिया और इसे ऐसे बना। ये हमारा मेन ड्राफ्ट है। अब हम इसे कपड़े पे कैसे बनाएंगे या ये हमारा बन के कैसे तैयार होगा वो मैं इस साइड करता हूँ। जैसे हमने ये शोल्डर यहाँ 2 इंच लिए हैं, ये हमने शोल्डर लिए, ये हमारा नेक है, ये हमने स्लीवलेस बनाया है, ये हमारा लहंगा, लहंगे का टॉप, और नीचे हमने सपोज हमने बेल्ट लगाई है तो ये बेल्ट हो गई हमारी। बेल्ट में हमें हमने लूप लगाया है और ये हमारे नीचे की गैदरिंग, ये हमारे लहंगे की गैदरिंग है जो इस तरह से आएगी। इसमें हम चाहें तो फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं, और इसे हम अगर बैक का नेक मानते हैं तो फ्रंट में हम कुछ भी दे सकते हैं। सपोज कि हमने ऐसे लिया और इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पे बटन भी दे सकते हैं। ये करेंगे हम, इसको हम अब फाइनली कैसे तैयार करेंगे। ये हमारी सपोज हमारी रेड कलर की ड्रेस है, ये देखिए ये हमारा फ्रंट हो गया। हम इसे अब इसके हम बैक को या तो हम सिंपल ऐसा भी ले सकते हैं या फिर हम बैक को कुछ और अलग भी बना सकते हैं। सपोज़ ये हमारे शोल्डर हैं या होल, ये लेंथ। इसके लिए हम चाहें तो जैसे छोटा बच्चा है तो हम इसमें हल्का सा कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। डोरियाँ बांध सकते हैं इसे, ये देखिए आप अपनी ये तो मैंने सिर्फ एक ड्रॉ किया है कलर पेंसिल से। आप इसे अपनी पुरानी साड़ी, पुराने सूट, पुराने दुपट्टे से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा या जैसा भी आपको लगा, या अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस होती है, कुछ आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।